ये सोमानी वालों का है, सोमानी वाले सिस्टम से निकला है ये एलवेंड। तो देखिए ये तो यहाँ पे घुस गया, जब वासारी नहीं घुस रहा है उसके बाद ये पाइप इसमें घुसा दिया मैं, तो फिर ये कहाँ से घुसेगा, ठीक है, इसमें घुस नहीं रहा। उसके बाद ही नहीं, और देखिए फिर मैं ये दूसरा एलवेंड मंगाया, ये आप देख सकते हैं एल टाइप वाला, ये भी इसमें देखिए इस तरह से घुस गया, अब यहाँ पे ये घुसेगा नहीं, देखिए घुस नहीं रहा यहाँ पे, देखिए कितना भी कोशिश कर लूं तो ये घुस नहीं रहा है, ये भी नहीं घुस रहा है, उसके बाद देखिए ये वाला भी नहीं यहाँ पे घुस रहा है। जब यही नहीं घुसेगा तो फिर इसमें पाइप कहाँ से जाएगा, ठीक है, कैसे घुसाऊं मैं इसको, साला मैं अपने गांड में घुसा लूं। तो देख रहे हैं ना, आपने देखा यहाँ पे जब ये वाशर ही नहीं इस कमोड के होल में घुस रहा है, तो फिर ये पाइप कहाँ से घुसेगा, ठीक है, और अगर ये वाशर नहीं होगा तो फिर लीकेज करेगा। पैसा दोस्तों दुकानदार और कंपनी पूरा ले रही है, और यहाँ पे कस्टमर के साथ में धोखा कर रही है, ठीक है, पूरी तरह से गलत है। डेट मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा करीब आइए, ये देखिए डेट यहाँ पे दिख रहा है, सोमानी का यहाँ पे लोगो आप देख सकते हैं, साफ साफ लोगो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 25/6/2022, ठीक है, 25/6/2022 नया स्टॉक है, 2022 का ही बना हुआ है, और ये सोमानी का सिस्टम है, देख लीजिए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नए प्लम्बर के लिए, ठीक है, इस वीडियो में आज मैं आपको EWC कमोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कमोड का पॉइंट बनाया गया है, कमोड का पॉइंट कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो मैं दिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे कमोड आज मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे EWC है लोकल वाला, जो कि दोस्तों 1200 रुपये का मिलता है, 1200 से 1400 रुपये का ये आता है, देख लीजिए इसका जो नाम है दोस्तों वो EWC है, देख सकते हैं ना, इसका जो ये वेस्टेज वाला आउटलेट है ये दिखाई देता है, और ये जो कमोड है दोस्तों सोमानी का है, तो सोमानी का ये EWC कमोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे सोमानी का ही ये इसका कवर है, और कवर को फिट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों कुछ ये नट बोल्ट दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं सोमानी का ही सिस्टम है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल होगा फ्लशिंग करने के लिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पे इस कमोड को इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस क्या है, यहाँ पे ये सिस्टम को कैसे फिट करेंगे, लेबल वगैरह कैसे सेट करेंगे, सब कुछ पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब आइए यहाँ पे कमोड को इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए ये सिस्टम है और ये कवर है, और ये अपना यहाँ पे ये EWC कमोड हो गया, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं पाइप अभी यहाँ पे लंबा है, तो मार्किंग करना मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए मार्किंग कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे आप रख के भी देखिए इस तरह से आप चेक करके कट कर सकते हैं, देखिए मेजर टिप कर लीजिए, यहाँ से फ्लोर से 2 इंच ऊपर आ रहा है, तो अभी क्या करना आपको 2 इंच पाइप कट कर दीजिए, तब ये टच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से सीधा पकड़ेंगे, मेजरमेंट करना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये पाइप आप कितना कट करेंगे, देखिए अभी फ्लोर से ये 2 इंच ऊपर आ रहा है, ठीक है, 2 इंच ऊपर आ रहा है, तो क्या करेंगे सीधा यहाँ पे 2 इंच ऊपर हो रहा है ना, 2 इंच यहाँ से पाइप को कट कर देंगे, ये फ्लोर पे टच हो जाएगा, बिल्कुल फ्लोर पे टच हो जाना चाहिए। तो अभी चलिए निकाल लेता हूँ मैं, अभी पाइप को कट करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे पाइप कट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना सिखाऊंगा आपको, देखिए अभी यहाँ पे पाइप कट हो रहा है, उसके बाद दोस्तों अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, म्यूजिक के साथ इंजॉय करते हुए दोस्तों आप लोग सीखिए यहाँ पे कमोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे, लास्ट में दोस्तों सिस्टम का लेबल वगैरह सेट करना मार्किंग करना मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए कट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से रख दिया मैं, प्रॉपर ये फिट हो रहा है, ध्यान रखना है ये पूरा फर्श के ऊपर अच्छी तरह से बैठना चाहिए, अभी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी इसको सीधा रख लेंगे, सीधा रखने के बाद इसका मार्किंग करेंगे इसको फिक्स करने के लिए, देखिए 2 होल इधर है, 2 होल इस साइड में है, दोनों साइड में है, फास्टनर लगा के फिट किया जाएगा। तो अभी चलिए मार्किंग करता हूँ मैं, ओह।
अब देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट लगा दिया हूँ मैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये काफ़ी घटिया कमोड है सोमानी वाला, ये सोमानी वाले साले चूतिया बना रहे हैं। ठीक है, होल में दोस्तों ये पाइप नहीं घुस रहा है पहली बात तो। इनका एक वाशर था बड़ा वाला, किधर है ये देखिए, ये सोमानी वालों का ये बड़ा वाशर है साले, इस तरह से बनाया है इनका, इसमें घुस ही नहीं रहा है, वाशर ही साला होल के अंदर नहीं जा रहा है। तो फिर ये पाइप के लगाने के बाद क्या होगा, पाइप हम लगाएंगे तो इसका डाया और फैल जाएगा। ठीक है, ये देखिए सोमानी का सिस्टम है, ये सोमानी वालों का ही ये बैंड है और ये वाशर भी है। ठीक है, देखिए इसको लगा लिया, ये थोड़ा सा और फैल गया, जब ये साला इसके अंदर खुद नहीं घुस रहा है पहले से ही सिर्फ वाशर, तो फिर साला ये पाइप कैसे घुसेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चूतिया काट रहे हैं ये सोमानी वाले, और दुकानदार भी 200-400 रुपये कमाने के लिए कस्टमर को पूरी तरह से चूतिया बना रहे हैं। माल खरीदने से पहले इनको चेक करना चाहिए होल वगैरह सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो जो भी है फिलहाल ये बहुत घटिया है, कभी लेना भी मत सोमानी का कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, सोमानी वालों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जो भी है फिलहाल देखो, ये सोमानी वालों का जो ये साले घटिया माल दिए थे इसको मैं फेंक रहा हूँ, और अभी क्या कर सकता हूँ, मन तो कर रहा है ये साला उठा के पटक दूँ, कमोड वमोड टूट जाए। ठीक है, तो देखिए वाशर अपने पास से रखा था मैं पतला वाला, उसको लगा दिया, और ये पतला वाला जो देख देख सकते हैं एल बैंड है इसका, जो डाया डाया है ओडी यानी कि आउटर डाया थोड़ा सा पतला है, ये मैं लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों आप लोग कंटिन्यू बने रहिए कैसे ये फिट होगा।